What's up YouTube, welcome back to my another vlog। आप देख रहे हैं सैम स्टार। तो यहाँ पे एक ऐसी जगह लेके आया हूँ आप लोगों को। हाय ब्रो, वो है यतीश भाई। सो दिस प्लेस इज हेवन फॉर बाइक लवर्स। इतनी प्यारी जगह, इतने सारे बाइक्स हैं यहाँ पे। जब भी मैं यहाँ आता हूँ, मन करता है कि एक कोने में बैठ के आई जस्ट स्टार्ट एडमायरिंग बाइक्स। लुक्स हाउ ब्यूटिफुल दे आर। और ये जगह है, इट्स ए डीलर शॉप, फरहान भैया की है। ये बाइक देख के पता चल गया होगा, यू माइट हैव सीन हिम इन मेनी यूट्यूबर्स वीडियोस। फरहान खान, दिस इज़ अराउंड 38 लाख। दिस इज़ ओनली बाइक इन इंडिया इस कलर में। इट्स अ V4 एप्रिलिया की। व्हाट अ ब्यूटीफुल बाइक, आई लाइक दिस बैक टेल लाइक। और बाइक का सीसी है 1100 cc और नंबर प्लेट भी है 1100। उनकी RS 457 है, उसका भी नंबर प्लेट है 457। शायद भैया एप्रिलिया के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जैसे मैं डुकाटी का हूँ। चलो बात करते हैं इस बाइक से। हायाबुसा 2019 मॉडल, बहुत ही प्यारी बाइक है, बहुत कम चली है। इट्स रन अबाउट ओनली 3400 किलोमीटर समथिंग, वेरी हार्ड टू फाइंड स्पेशली हायाबुसास। और यहाँ पे बहुत जेन्यून बाइक्स रखते हैं। बाइक ख़रीदने के टाइम पे बहुत चेक करके लेते हैं, इंस्पेक्शन करके, सर्विस रिकॉर्ड हिस्ट्री सब देख के। और ZX10R है 2018 मॉडल की। व्हाट ए ब्यूटीफुल बाइक। ये दो बाइक्स ना मेरे पास एक एक साल थे, दो बाइक्स भी। सो ब्यूटीफुल बाइक्स। मुझे हालांकि दो बाइक्स भी ज़्यादा पसंद है, पर 10R थोड़ा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें पावर थोड़ी ज़्यादा है। और जो क्विक शिफ्टर का इसमें मज़ा है भाई, मज़ा ही आ जाता है। क्विक शिफ्टर जब शिफ्ट करते हैं हायर RPM में, जिसके भी बाजू से गुजरे वो हिल जाता है भाई। हायाबुसा भी बहुत लाउड है, बहुत पसंद है मुझे। फुल सिस्टम ब्रॉक्स एग्जॉस्ट लगा है, पर इसकी एक प्रॉब्लम है कि मुझे इसकी ब्रेकिंग पसंद नहीं है। अगर ब्रेकिंग अच्छी होती तो शायद मैं आज हायाबुसा बेचता ही नहीं 2 साल पहले या 3 साल पहले, और मैं शायद आज V4 तक, S1000 तक आता नहीं था। थैंक यू हायाबुसा, कुछ कमियां निकल गई इसमें। आई शो यू साउंड सिस्टम। ओ भाई, पूरा शोरूम हिल रहा है। इट्स सच ए बेसी साउंड। आई लव दिस बाइक हायाबुसा। ओ माय गॉड, दिस इज टू लाउड, सो नाइस। तो बात हो गई इन दोनों बाइक्स की, तो विल गो टू स्ट्रीट फाइटर V2। दिस बाइक इज 2023 मॉडल और सिर्फ चली है। लेट अस चेक आउट। 1400 किलोमीटर्स मैन, कहाँ मिलती हैं इतनी कम चली बाइक्स। दैट्स ग्रेट। जो भी नई बाइक लेना चाहता है आके डायरेक्टली ये बाइक ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे पानी गले V2 है, एंड इवन दिस इज़ रन जस्ट 1900 किलोमीटर समथिंग, 2020 मॉडल की है। यू कैन सी द टायर्स, सो फ्रेश। पर इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट है, इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है। बाद में मैं इसकी टेस्ट राइड लेके आपको साउंड भी दिखा देता हूँ। दिस बाइक इज़ नॉट फॉर सेल, पता चला तो मुझे भगा भगा के मारेंगे फरहान भैया, सॉरी। और ये है डेटोना, ये हमारी ग्रुप की बाइक है, बहुत अच्छी है, एंड 2014 या 15 मॉडल की है। थर्ड ओनर, 23,000 किलोमीटर चली हुई, ब्रांड न्यू टायर्स हैं इसमें। सॉरी, ब्रांड न्यू सिर्फ पीछे का टायर लग रहा है, आगे का नहीं। सर्विस होके खड़ी है बाइक, गुड बाइक। एंड दिस बाइक्स, यू नो, मुझे स्पोर्ट्स टूरर, टूरर बाइक्स ज़्यादा पसंद नहीं है, बट स्टिल आई विल इंट्रोड्यूस दिस बाइक्स। 17 मॉडल की है वर्सेस 650। V-Strom, दो V-Strom से, TN रजिस्टर, K रजिस्टर। आई थिंक द प्राइस, मॉडल इज़ अराउंड 2019 मॉडल। प्राइस के बारे में बाद में आते हैं, पहले बाइक्स के बारे में बता देता हूँ मैं। ट्रायम्फ है ट्राइडेंट 660 की, इट्स ए ब्यूटीफुल बाइक। ये भी शायद 2022 मॉडल की होगी। और ये है क्रूज़र बाइक, स्पीड ट्विन, बहुत अच्छी बाइक है ट्रायम्फ से। अच्छी लोडिंग्स लगी हुई हैं इसमें, फॉग लाइट्स हैं, एग्जॉस्ट है, नाइस बाइक। और यहाँ पे MH रजिस्ट्रेशन की, निंजा 1000 है SX। सो और भी बाइक्स हैं बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, यहाँ पे फरहान भैया डीलरशिप रखे हैं सुपर बाइक्स के। यहाँ पे सुपर बाइक्स बेचते हैं और ख़रीदते भी हैं। ही कीप सम प्रॉफिट एंड सेल।
ऑब्वियसली ही इज़ अ डीलर, सो अगर किसी को अर्जेंट है बाइक सेल करना है तो यू कैन डायरेक्टली कम हियर. दिस इज़ नियर कल्याण नगर, इसको बानसवाड़ी बोलते हैं, 100 फीट रोड, वहाँ जाएंगे तो कल्याण नगर के बाजू है. आई एम सेइंग कल्याण नगर क्योंकि आपको पता चल जाएगा, कल्याण नगर एवरीबडी नोज. सो इससे पहले एक्चुअली मोजो की डीलरशिप थी, है अभी भी है, पर सर्विस चलती है, सेल्स बंद हो गई है. मोजो इज़ ऑल्सो सो ब्यूटीफुल बाइक, बंद कर दिया गया. सिर्फ यहाँ पे बाइक्स भी नहीं, यहाँ पे हेलमेट्स भी लगे हुए हैं. हेलमेट्स ऑल्सो फॉर सेल, HJC है, KYT है, शोई है. अगेन आई टेल यू द प्राइजेस लेटर. TBG की जैकेट्स भी हैं. सो एंड लेट्स कम बैक आउट. TRK बेनेली 5022 सिलेंडर की बाइक, लिमिटेड एडिशन की 2022 मॉडल की सिंगल ओनर बाइक, 4000 किलोमीटर चली हुई, बोल रहे हैं कि जस्ट आई है. लुक सो ब्यूटीफुल, बम्बल बी जैसी. ट्रायम्फ की है, स्ट्रीट ट्रिपल. इट्स अ ब्यूटीफुल बाइक, इवन दिस इज़ फॉर सेल. और एक ZX10R भी है बाहर, इवन दिस इज़ फॉर सेल, 2019 मॉडल की. अप डाउन क्विक शिफ्टर दो भी आते हैं इसमें, 19 मॉडल में. 18 मॉडल में सिर्फ क्विक शिफ्टर आता है, ऑटो ब्लिपर नहीं आता है, जो डाउन करना पड़ता है. बेनेली है यहाँ पे 2015 मॉडल की, सॉरी 16 मॉडल की. दिस इज़ अ जेन्यून बाइक, दिस इज़ रन अबाउट 3600 किलोमीटर समथिंग. जेन्यून है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टायर्स, कंपनी से जो टायर्स आए हैं वही टायर्स हैं, अभी तक बदला ही नहीं गया. कहाँ मिलते हैं ऐसे बाइक्स, इट्स वेरी रेयर टू फाइंड. वो जो है सेल में, यहाँ पे ह्योसंग GT650 है 2012 मॉडल की, 2 लाख रुपए में. आई थिंक अगेन द प्राइस इज़ नेगोशिएबल. कहाँ मिलेगी आपको 650 ट्विन सिलेंडर की, और जेन्यून 7000 किलोमीटर चली है, क्योंकि उनके दोस्त की बाइक है ये, सेकेंड ओनर. मोजोस हैं यहाँ पे, इवन मोजोस आर फॉर सेल. स्ट्रीट फाइटर, ये भी फरहान भैया की मोजो है. दिस इज़ द मोस्ट यूनिक मोजो आई हैव सीन. ऑटो लॉक किट लगाए हुए हैं और परफॉर्मेंस अपग्रेड्स भी हैं इसमें. दिस लुक्स डिफरेंट, कहीं देखने नहीं मिलेगी आपको ऐसी बाइक. तो चलते हैं यहाँ पे स्पीड मास्टर. व्हाट अ बाइक मैन, मैं चला के बाइक का फ़ैन हो गया. इनफैक्ट मुझे पसंद नहीं आते क्रूजर्स बाइक्स, ये बाइक चला के ऐसा मज़ा आया मुझे कि ऐसी बाइक तो रखनी चाहिए. इसको तो जानते ही हैं, ये मेरी बाइक है. और वहाँ पे नयाज भैया है और वहाँ पे मुजाहिद भैया हैं, यहाँ के सीनियर टेक्नीशियंस, बहुत स्किल्ड मैकेनिक्स हैं. तो इनका बहुत साल से एक्सपीरियंस है, अराउंड 20-25 ईयर्स से. डॉक्टर्स फॉर सुपर बाइक्स और नॉर्मल बाइक्स. मेरा भी अगर बाइक का कुछ काम है तो सीधे यहीं पे लेके आता हूँ, कुछ भी काम हो मैं यहाँ पे कराता हूँ. सी माय बाइक इज़ हियर, ऑप्टिमस प्राइम. मोजो का सर्विस ही नहीं बल्कि सब सुपर बाइक्स का सर्विस भी होता है यहाँ पे. नो डाउट हर काम होता है यहाँ पे, एक्स्ट्रा फिटिंग हो या सर्विस हो, एनीथिंग, इंजन रिपेयर्स हो, सब कुछ यहाँ पे काम होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्किल्ड मैकेनिक्स हैं, सीनियर टेक्नीशियंस. एक राउंड मैं स्पीड ट्विन पे दिखाता हूँ आपको. इसका हैंडल पोस्चर देखो, ऐसे क्रॉस है और विंडशील्ड यहाँ ऊपर तक है, हवा नहीं मारेगी. बाइक का टॉर्क बहुत अच्छा है, 1200 cc. ओ मैन, इतना कंफर्ट है इस बाइक पे, इतनी अच्छी है. 2019 मॉडल की, 5900 किलोमीटर चली है, अमेजिंग. आई लव्ड इट मैन, वाओ. ऐसे फील आ रहा है कि मैं कोई चेयर पर बैठ के बाइक चला रहा हूँ. सो स्मूथ, इतनी बड़ी बाइक, इतना इजी टू राइड है, कंफर्ट इज ऑन नेक्स्ट लेवल. बहुत बढ़िया बाइक, चाबी वहां पे लगाना पड़ता है.
शायद अगर मैं बूढ़ा हो गया 60 साल का तो ऐसी बाइक ज़रूर रखूँगा मैं। कौन सी बाइक दिखाऊँ आपको मैं चला के? चलो मैं स्ट्रीट फाइटर V2 दिखाता हूँ। V4 स्ट्रीट फाइटर पे मेरा बहुत ज़्यादा दिल है, क्योंकि V4 का जो टॉर्क है, V4 पानी गले से भी ज़्यादा स्ट्रीट फाइटर में टॉर्क है, सुना है मैंने और चलाया भी था। बहुत ज़्यादा टॉर्क है इन बाइक्स में, और एक प्रॉब्लम ये है कि इतनी पावरफुल हैं बाइक्स, विंड ब्लास्ट ऐसे मारता है कि हैंडल को बहुत से टाइट पकड़ना पड़ता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बाइक, सो पावरफुल, आई लव्ड इट। ब्रांड न्यू टायर्स, ओके। बाइक में इतनी ज़बरदस्त हैंडलिंग है, ब्रेकिंग है, बाइक चला के मज़ा ही आ जाएगा। SC प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट, बाइक छोटी लगती है पर बहुत शार्प लुक है इसका। चलो एक राउंड चला के देखते हैं। रोड मोड में है, चलेगा। And bangs. Quick shifter auto flipper दो भी मस्त है। पुलिस look at his reaction. Brakes बहुत sharp हैं इसमें। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे इस बाइक पे। रेस मोड में डाल दिया ना तो बाइक कूदते रहेगी। रॉकेट है, रॉकेट। ब्रेक इतनी शार्प है इसमें कि मैं एक उंगली से दबाऊं तो बाइक खड़ी आएगी। साउंड बहुत अच्छा है स्टॉक से तो, पर इनफैक्ट पर मुझे इन बाइक्स का साउंड ज़्यादा पसंद नहीं है कंपेयर टू इनलाइन फोर्स। इनलाइन फोर का साउंड इतना खूबसूरत रहता है भाई, सुन के मन भर जाता। अपनी बाइक का साउंड नोट सुना देता हूँ आपको, एंजॉय। इट इज़ नॉट फुल सिस्टम बट स्टिल इट इज़ द लाउडेस्ट बाइक हियर। बहुत लाउड है। लेट्स टॉक अबाउट RS 457। फरहान भाई आ चुके हैं, इज इनसाइड, और मोजोज भी हैं यहाँ पे सेल पे। बहुत अच्छे बाइक्स हैं मोजो, रगेड इंजन। आई हैव सीन पीपल क्लॉक्ड 180,000 किलोमीटर्स, एंड 80,000 किलोमीटर्स में पहली बार क्लच प्लेट चेंज करते हैं। महिंद्रा मेड सच ए ब्यूटीफुल बाइक विथ यू नो ब्रेडेड लाइंस, ब्रेक लाइनिंग्स। क्वालिटी बाइक है पर पता नहीं क्यों बंद हो गई, शायद ठीक से एडवर्टाइजमेंट नहीं किया या लुक्स, आई डोंट नो। बम्बल बी बाइक, फरहान भैया ने विंडशील्ड लगाया हुआ है और एयर फिल्टर चेंज किया हुआ है, स्प्लिंट एयर फिल्टर। एग्जॉस्ट अभी दलाने वाले हैं,
उनका YouTube चैनल है और Instagram आईडी यहाँ पे है, और NAFS मोटर्स, अगर आपको इन पूरे बाइक्स के प्राइसेस जानना है तो NAFS मोटर्स पे फॉलो करो, वहाँ पे पूरी बाइक्स की, सब बाइक्स की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। थोड़े बाइक्स हैं जो यहाँ पे नहीं है, वो भी बाइक्स आप देखने मिल जाएगा। हाँ, प्राइसेस आप चेक कर लो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड, और एनीबडी वॉन्ट्स टू सेल देयर बाइक, दे कैन कम डाउन हियर, फरहान भैया से बात करो, यू कैन फाइंड हिज कॉन्टैक्ट नंबर फ्रॉम NAFS मोटर्स और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हिम ऑन इंस्टाग्राम। ये बाइक एक्चुअली मैट आता है, PPF करके इस पर ग्लॉस बना दिया, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। हालांकि मैंने भी इस बाइक को बुक किया था पर कैंसिल कर दिया, द रीज़न वॉज आई वॉन्टेड टू वेट एंड सी कि बाइक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, सॉल्व होने के बाद लेंगे सोचा। बजट फ्रेंडली आती है बाइक, 5 लाख, ट्विन सिलेंडर्स, दूसरे बाइक्स देखें तो बहुत हाई है जापान बाइक्स, जैसे कि R3 हो गई, वो तो इससे पावर कम है और प्राइसेस 1-1 लाख ज़्यादा है। वन ऑफ द मेन रीज़न वॉज मुझे इस बाइक का प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी पसंद नहीं आया, यू नो दिस इज़ सो थिन, अगर कोई एक बार लगा दिया तो शायद ये पूरा चला जाएगा, एंड आई लेट मी शो यू दिस, सी हाउ इट इज़ शेकिंग। ये भी, सो द थिंग इज बिल्ड क्वालिटी उतनी ख़ास नहीं है इस पर, आई प्रेस हियर इट गोज़ इनसाइड, पर बाइक का परफॉर्मेंस ना बेंचमार्क हो गया लुक्स और परफॉर्मेंस वाइज के बारे में, पूरे बाइक्स को धो देती है ये बाइक। ये विंडस्क्रीन, टॉल विंडस्क्रीन बहुत अच्छा लग रहा है, बाइक इज़ गुड, चलाने में फंटास्टिक है भाई बाइक, पर एज अ बाइक एंथुजियास्ट, मैं जो इस बाइक के फील्ड में हूँ, तो मुझे सिर्फ बाइक की पावर नहीं चाहिए, बाइक्स की बिल्ड क्वालिटी चाहिए, बाइक का माइलेज चाहिए, बाइक की हेल्थ लाइफ कैसी रहती है वो भी चाहिए, सब देख के ना बाइक्स की रेटिंग होती है, बाइक्स एक अच्छी बाइक बनती है। सबसे फास्टेस्ट बाइक इसका मतलब ये नहीं होता कि इट इज़ द बेस्ट बाइक, नो आई डोंट कंसिडर लाइक दैट, बाइक शुड हैव बिल्ड क्वालिटी, इंजन रिलायबिलिटी, हैंडलिंग, बेटर हैंडलिंग, लुक्स, एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग फॉर्म्स अ बेस्ट बाइक अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ मैं, तो मेरे लिए ड्यूक 390 या RC 390 मेरे लिए बहुत ही फेवरेट बाइक है, जो प्राइस सेगमेंट में आती है, जो परफॉर्मेंस है, मेंटेनेंस है, मैड, सो नाइस। इस बाइक का प्राइस देखो, 5,25,000 ऑन रोड प्राइस बैंगलोर में, और क्विक शिफ्टर आता है 30,000 का, इट्स यू नो ऑलमोस्ट इक्वल टू सुपर बाइक क्विक शिफ्टर, दैट्स फाइन, प्राइजेस डाउन होंगे शायद, पर एप्रिलिया शायद लगता है मुझे कि वो लूट रहे हैं बाइक के नाम पे। लेट्स सी क्या होता है, सुनने में आया कि इसमें थोड़े प्रॉब्लम्स भी है बैटरी ड्रेन के, और वो उन्होंने सॉल्व भी कर दिया क्योंकि मीटर का कुछ प्रॉब्लम था तो करंट लीक हो रहा था, सो लेट्स वेट एंड सी और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे बाइक्स में, एंड पता चल जाएगा कि बाइक के बारे में, और फिर लेंगे कोई यूज्ड बाइक। इनफैक्ट RS 457 एक यूज्ड बाइक भी थी यहाँ पे, सेल पे सेल भी हो गई, बाइक्स बहुत आते हैं पर बहुत क्विक सेल हो जाते हैं, लुक्स ब्यूटीफुल, मे बी सम अदर डे आई विल गेट दिस बाइक, पर मैंने बुकिंग कैंसिल कर दिया है। बस आज के लिए उतना ही है, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।